हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो डीलिंग मैं करने अभी जा रही हूँ वो है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त करेंटली आपके लिए, मतलब राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं और सुबह से आपके बारे में क्या सोचा है। आज की बिल्कुल बेस फीलिंग्स रहेगी और कुछ एक्शन अगर वो लेते हैं वो भी हम देखेंगे। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगी ये, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो भी आपका सिचुएशन है आप देख सकते हो। गाइस, एक बात श्योर करो कि आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं जा रहा है बहुत सारे लोगों के पास। तो मेक श्योर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखो, ठीक है? क्यों? और एक चीज़ है, अगर आप वीडियो के नीचे मुझे बताओगे कि मेरे वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, टॉपिक्स हो या फिर क्वालिटी हो, ऑडियो हो, या फिर किस तरीके की रीडिंग आपको पसंद हो, डेफिनेटली अपना जो है कमेंट छोड़ो कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्या करंट फीलिंग्स देख देख के आप बोर हो गए हो, आपको डिफरेंट टॉपिक्स चाहिए, तो सारी चीज़ मुझे आप बताओ, ठीक है? कंडीशनिंग हमारे पास पहला कार्ड है और ऑल साइन वालों के लिए एक तो है, और यहाँ पे मुझे अक्वेरियस एंड सजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। सी, मुझे यहाँ पे विद दिस कंडीशनिंग लग रहा है जैसे आपके पर्सन आना तो चाहते हैं बट उनके सामने बहुत सारी कंडीशंस हैं, लाइक कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसा आपने सुना होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारी कंडीशन उनके सामने है, सरकमस्टांसेस है, प्रॉब्लम्स बहुत सारा है, वो हर चीज़ को अकेले अकेले फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी पर्सन को आपकी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए और बंधे हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, बस खुश, मतलब एक होता है ना कि इंसान खुशी खुशी अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ इशू यहाँ पे ज़रूर है, और कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ उनका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो यही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। और आपके पर्सन जो है वो आपको काफ़ी दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस है बट स्टिल वो आपके ऊपर आपको देख रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। आप जो भी लाइफ में जैसा भी कुछ कर रहे हो, ये आपके लिए कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, ठीक है? इस वक्त मुझे जितना दिख रहा है कि वो कुछ डिफरेंट एक्शन लेना कर चाहते हैं, कुछ डिफरेंटली आपको कुछ समझाना चाहते हैं, या फिर इशारों इशारों में आपको कुछ समझाना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्टली अगर कुछ बोलेंगे, हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो आपको भी हानि पहुंचाने की कोशिश करें। यहाँ पे तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी जगहों से आपको छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है मे बी आपको कोई हार्म ना कर दे, या फिर वो आपसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं आपको, आप एक काइंड ऑफ वीकनेस हो आपके रिलेशनशिप में। अभी जो भी सिचुएशन हो, आप अभी उनके लिए एक वीकनेस हो, ठीक है? तो आपको आधार करके उन्हें कोई कुछ बोले, या फिर उनको टारगेट करके आपको कोई कुछ बोले, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आप बहुत प्रोटेक्टेड रहो, खुश रहो, अपने लाइफ में अच्छे से रहो, ठीक है? तो इसीलिए आपके पर्सन काफ़ी सारे कंडीशन को फेस करने के बाद भी नहीं आ पा रहे हैं। वो चाहते हैं पहले आप खुश रहो, आप अपने लाइफ में मस्त रहो, अच्छे से रहो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है द रेवल, टॉरस एनर्जी और एरीज एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी ये पर्सन जो है बंधे हुए हैं, और रेवल मतलब फाइटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इस रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फाइट देना चाहते हैं, फाइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है? जब तक रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक रिश्ता आप दोनों का कभी भी नहीं सुधरेगा। तो वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं और एक टफ फाइट भी देना चाहते हैं, ठीक है? आपके पर्सन को जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ पे वो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं और आपका चेहरा उनको बड़ा याद आता है। किस तरीके से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है स्टिल बहुत हाई है उनसे,
आपकी जो इच्छा है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो अभी तक नहीं मरी है। कोई और अगर होता तो उसकी सारी इच्छाएं मर चुकी होती। डेफिनेटली एक उम्मीद नहीं रहती कि लाइक तुम क्या मेरे साथ जस्टिस करोगे, तुमने तो इतना अनजस्टिस कर लिया है ऑलरेडी मेरे साथ। उम्मीद मर जाती, बट कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद नहीं मरी है। आप स्टिल उनको उसी नज़रों से देखते हो, उसी तरीके से आपने वेट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑडियो अगर ठीक से नहीं आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और वो कैसे हार मान सकते हैं, कैसे वो आपकी उम्मीदों को फिर से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको आपके बारे में सोच सोच के ना एफर्ट डालने के लिए सोच लेते हैं। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं प्लान उनके दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं आंख बंद करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये बताते कुछ ज़्यादा नहीं है, बट उनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ों को लेके प्लानिंग्स चलती है, प्लॉटिंग्स चलती है। एंड वो जो भी प्लान कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो मुझे ना बहुत पावरफुल पर्सन ही दिख रहे हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, और जिस चीज़ को मना कर देते हैं, उस चीज़ को मरते दम तक हाथ नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब एक तरीके के मैं बोल सकती हूँ इनका शनि बहुत अच्छे में है। मतलब ये बिल्कुल कर्म के बहुत पक्के इंसान मुझे दिखते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। ठीक है, और आपने भी ये चीज़ फील किया होगा, और आपको भी लगा होगा कि लाइक हाँ यार, इसने ये बोला और इसने ये किया, चाहे वो अच्छी बात बोला हो, चाहे बात बुरी बात बोला हो, जो भी बोला हो। ठीक है, तो अगर ये सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, कुछ एक्शन लेने से रिलेटेड या फिर कुछ स्टैंड लेने से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको विद इन 3 to 4 days ये पर्सन जो है सामने आते हुए दिखेगा। और जो भी चीज़, ये इतनी स्ट्रांग इनकी मेंटालिटी है, कुछ भी इशू हो जाए, ये जो इन्होंने सोचा है वही करेंगे। सो इनको कोई रोकेगा, इस चीज़ का टेंशन मत लो, बिल्कुल छोड़ दो, इनको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इनका डिसीशन चेंज करने वाला कोई पर्सन आज तक है ही नहीं। तो होप करो कि ये जो भी डिसीशन ले रहे हैं आपके सपोर्ट में ले, और सही से ले, जैसे आपको भी एक तरीके का जस्टिस मिले। नेक्स्ट हमारे पास्ट है पास्ट लाइफ पाइसिस एनर्जी। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, और यहाँ पे कुछ कार्मिक इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ कर्मा इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी की। देखो, कर्मा कभी भी जानबूझ के कोई नहीं करता। लाइक जैसे अभी आप कुछ कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके साथ इतना कुछ गलत कर रहे हो, उनको थोड़ी पता है कि उनका क्या कर्मा है। ठीक है, तो इस कर्मा के लिए तो उनको रोना तो पड़ेगा ना, उन्होंने जो आपके साथ किया है। तो वो कभी भी रो सकते हैं, कोई भी फॉर्म में उनको तकलीफ मिलेगा, और वो उस वक्त सोचेंगे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी तकलीफ मिल रही है। तो अभी मे बी उनका ये सिचुएशन चल रहा है, हो सकता है आपकी कुछ कार्मिक इशू हो, तो कर्मा इशू मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जीवन हर इंसान के लिए हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आज अगर ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, कल उनको खुद को भी भुगतना पड़ेगा। अभी तो मुझे आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिन लोगों की वजह से यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, या फिर मोस्टली आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो ट्राई करो, कोई भी इंसान हो, आपके रिश्ते में घुसे ना। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, वो कर्मा, भगवान, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, हो सकता है उनको ये टर्म डिवाइन टाइमिंग पता ना हो, लेकिन एक सही वक्त, ये टर्म तो हर इंसान को पता होता है। तो लाइक सही वक्त पे मुझे सही चीज़ करना है, सही वक्त पे मुझे एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, अभी मुझे दिख रहा है। देखो, इंसान जो जैसा करता है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये बिल्कुल ना एक सही चीज़ है। जो इंसान जैसा करता है ना, किस्मत में उसके लिए किस्मत ने ऐसी ही लिख के रखती है चीज़ें। ठीक है, किस्मत वैसे ही सारी चीज़ें लिख के रखती है। तो जैसी करनी वैसी भरनी जो चीज़ है ना, इनके ऊपर भी बहुत अच्छे से लागू होगा। तो यू डोंट वरी, जैसा करेंगे उनको वैसा कर्मा मिलेगा, और मिल रहा है। अभी तो आपके बहुत सारे पार्टनर ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी मिल रहा है। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहा है तो अकल आ जाएगी, समझ जाएंगे। राइटनेस है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंडली प्रोसेस यहाँ पे चालू है, ठीक है। द ड्रीम, ओके, प्रोसेस यहाँ पे चालू है। मैं बोल सकती हूँ कि कुछ रिश्ता जो होता है ना, एक प्रोसेस में गुजरता है। कुछ रिश्ते की स्टेजेस आते हैं जहाँ पे भगवान भी देखते हैं कि ये जो दो लोग हैं ना, ये किस तरीके से इस रिश्ते को हैंडल कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके रिश्ते का, आपके इस चीज़ का एक प्रोसेस से गुजर रहे हो आप दोनों। राइपनेस के साथ मैं बोलूँगी कि बहुत ही जल्दी आप दोनों का जो मेहनत है ना, आपका जितना मेहनत है, आपने जितना इस रिश्ते में सब कुछ डाल दिया है, अपना दुख सुख मेहनत जो सब कुछ आपने डाल दिया है, सब और सारी चीज़ें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे होता है ना राइपनेस, चीज़ों का आंसर्स मिलना, चीज़ों का फल मिलना स्टार्ट होगा। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप की जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छी होगी। रिलेशनशिप से आने से पहले जब आपका रीयूनियन होगा तो आपका फ्रेंडशिप का बॉन्ड मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा होगा। मुझे आप दोनों के बीच में ये चीज़ दिख रही है। और आप दोनों बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा अलग हो, ठीक है। इस वक्त तो मुझे करेंटली यही दिख रहा है, सुबह से ये पर्सन कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि आप दोनों नेचर वाइज बहुत अलग हो। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि बस आप बोलोगे और चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी। लिटरली मेच्योर पर्सन की तरह चीज़ों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा आप दोनों को। और ऐसा अगर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में कोई एंटर नहीं करेगा, या फिर लाइक कुछ ऐसी चीज़ होगी नहीं जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है और भी ज़्यादा बढ़े। तो ट्राई करो, आपकी पर्सन ट्राई करेंगे, वो भी ट्राई करेंगे थोड़े मेच्योर होने के लिए और थोड़ा सा जैसे हो आपको वैसा एक्सेप्ट करने के लिए। तो दिस ड्रीम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनकी कोई ख्वाब है, वो आपको लेके देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है। ड्रीम के थ्रू आपको कुछ मैसेज इनका मिलता होगा, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ड्रीम जैसा दिख रहा है। सो ट्राई करो कि आप अच्छे अच्छे ड्रीम देखो, इनके बारे में ड्रीम देखो, आपके इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चले ड्रीम के थ्रू। टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेशन आप दोनों का हो सकता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है दैट इज लिबरेटेड पावर एंड गॉडेसेस ऑफ लव। गॉडेसेस ऑफ लव मतलब जो प्यार आप दोनों के बीच में है, उस चीज़ के लिए भगवान का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है आपके रिश्ते के ऊपर। एंड ये पर्सन जहाँ पे है ना दुखी है थोड़े से, ठीक है, दुखी, थोड़े से टेंशन में, थोड़े से प्रॉब्लम में, ऐसे मुझे दिख रहे हैं। वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की जो है काफ़ी चांस दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है लाइफ। देखो जिंदगी है और जिंदगी को चलाना पड़ता है। आपके पर्सन जो स्टक है ना कहीं वो सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी को आगे लेके जाना है। उनके लाइफ में जो है आप चाहिए ही चाहिए हो, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको कई तरीके से कमिटमेंट ना दे, कुछ भी इशू हो जाए, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। बट एक बात होती है ना कि लाइक वो आपको हमेशा अपने लाइफ में चाहेंगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा आपको अपने लाइफ में जगह देंगे, चाहेंगे, वो चाहेंगे आप किसी भी तरीके से जो है प्रेजेंट रहो उनके लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास है फ्लाइट, ठीक है। आपकी पर्सन जो है ना मूवमेंट लेने की स्टार्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है, मतलब टाइमिंग तो सही नहीं है, बट मैं एक्शन लेके देखता हूँ क्या होता है। हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लाइक उसका रिजल्ट कुछ भी निकले बट एक्शन ये एक बार ज़रूर लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लव मैसेजेस हैं यहाँ पे जो मैं देखने वाली हूँ। वन टू बाइट योर लिप्स, वो आपके लिप्स को बाइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है मुझे किसी की परवाह नहीं है तुम्हारे सिवा। तुम्हारे सिवा वो किसी और की परवाह नहीं करते हैं, वो आपको ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइज।